अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रात के बजे हैं 2 और आयरा अभी तक नहीं रही हैं सो, और मैं इसको इतना बोल रहा बेटे सोचा, लेकिन नहीं मामा मुझे तो अभी और खेलना होगा, तो मैंने कहा चलो अभी तुम खेलो। और फिर तभी मुझे आइडिया आया कि क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए, कुछ स्पेशल किया जाए, कुछ नया किया जाए। तो आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपना शहरी रूटीन। हालांकि मैं रोज़े नहीं रख रही हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट जो करती हूँ, जो होता है मेरे साथ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को। तो चलिए मेरे साथ मेरे सफ़र पे। पंखा बंद करना पड़ेगा, अरे गर्मी लगेगी तुम्हें। कोई बात नहीं, मैं नहीं आ रही, मुझे ले आती है रात में ऐसी करके, मुझे भूख लगेगी, मुझे भी भूख लगेगी। तुमने क्या खाया पहले अपना दिखाओ। मैगी खा के खत्म कर दिया, और इसके अंदर कोल्ड कॉफी है जो बची है। अच्छा, तो अब मेरे को क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको, आपको एक्स्ट्रा ला देंगे हम, मेरे लिए दोबारा बनेगी। जाने की जरूरत नहीं है, पीछे आराम से बैठो, मैं पता निकल जाऊंगी। पीछे होके बैठो। ये ऐसी करती है मुझे, मुझे ना रोक लेती है ये। रुकम लेके आते हैं। अरे तुम अपनी सहरी कर लो ना। होगी होगी, अभी तो पैंटी खुली होगी, भाभी चेक रही हूँ। रुकम लेके आते हैं। ये होता है, ये होता है बहनों का प्यार। अब गई है मेरे लिए मैगी लेने के लिए। मैगी खाऊंगी, मैगी चलेगी। हाँ, ये ऐसे ही करती है मेरे साथ। मैं मतलब इसे जरा भी दिख जाऊंगी ना, और भाजी आ जाओ। अभी देख लिया आप लोगों ने इसका ड्रामा। पता नहीं कितना मेरे प्यार के लिए वो रहती है, बस टाइम दे दो। आयरा है, आयरा को भी टाइम चाहिए, इसको भी टाइम चाहिए। रात में रोकती रहेगी, बजे रुक जाओ। आयरा कही मम्मी चलो। जैसे मैं दूसरे कमरे में सोती हूँ ना, ये मैंने आस का रूम है, मैं दूसरे रूम में सोती हूँ, तो वो ले जाती है। फिर सहरी में जैसे मेरी आँख खुलती है, तो मैं जैसे फ्रेश व्रेश होने के लिए उठती हूँ, मैं हल्का सा भी झाँक लूँगी ना, मतलब जो मैंने आपको अभी दिखाया ना, वो सब ज़्यादातर होता है। कई बार तो मुझे मिलास है ना, चुपचाप फ्रेश होकर मैं चुपचाप से जाके सो जाती हूँ। अब इसे मुझे रोक लिया, मेरी करी खातिर मैंने भी बहुत सारी शर्तें रख दी हैं। पंखा बंद करो कर दिया, मुझे भी कुछ खाने के लिए चाहिए, क्योंकि मुझे फिर भूख लगती है। अब गई है लेने के लिए, अब भाभी बनाई होगी, एक्स्ट्रा तो बनता ही है, तो रखा होगा कुछ भी, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है खाने के लिए। जो ही मिलेगा मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी आप लोगों की। ठीक है, ज़्यादा जो जो से नहीं बोल सकते ना, सहरी हो रही, बाकी सब सो रहे हैं, और मेरे चेहरे से साफ लग रहा होगा कि मैं भी सो रही थी। हाँ, मैं सो रही थी, मैंने सोचा चलो एक सहरी भी आप लोगों को दिखाई जाए, और जो जो चीज़ें होती हैं उसी तरीके से आप लोगों के सामने पेश की जाए। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता नहीं आपको पसंद ही आएगी। चलो मिलती हूँ थोड़ी सी ब्रेक के बाद। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि बड़ी देर हो गई, अभी तक आई नहीं निकम्मी, देखो कब तक आती है। जब तक आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की सहरी कैसे जा रही है, अच्छी जा रही है नहीं? कल तक तो खैर बहुत गर्मी थी, लेकिन आज मौसम में थोड़ा सा सुधार है, ठंडक है। और वैसे सहरी का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, कुछ टाइम है, 4 बज गए हैं शायद,
इस कमरे की घड़ी खराब है, बाहर ही होगी, तो 4 बज गए हैं शायद, क्योंकि जब मैं उठी थी तो 4 बजे में 10 मिनट थे। तो अब देखो कि हाँ ओहो, क्या लाई है विनाश? जो कुछ बचा कुछ था मैं उठा लिया। देखो ये हमने आपके लिए मैगी, अच्छा मैंने जितना समझ, वाह, सॉरी हमने मैगी में पकौड़े रख दी, अच्छा हमको नहीं ये सही है ना, खाना इस वक्त तो मुझे कुछ भी दे दो, इस वक्त तो मैं खाने के लिए बहुत ज्यादा वो। है जो समझ में आया। अच्छा बस अच्छा अच्छा कोल्ड कॉफी भी है, वाह। पता भैया के पास थी और वहां पे इतना सारा चॉकलेट बैठे थे, हमने कहा भैया थोड़ी सी और दे दो, ये खाए। ये सब भैया अच्छा के रूम में से लेके आए, वो भाभी के अच्छा पास था वहां तो से उन लेके लोगों आए। का ये तो नहीं कि उन लोगों को कम पड़ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं इतना सारा बना रखा है भाभी ने, अच्छा मैगी का अच्छा फैमिली पैक होता है ना, भाभी ने पूरा बना रखा है। अच्छा तो तुम और लोग इतना क्या, सब कुछ क्यों बनाते हो? आते थे खाते अच्छा थे क्या? चलो मेरे तो आज और काम आ देखो गया। कौन कहता है कि हम काम नहीं करते, ये सब हम लेके आए, सबको दिखा देना, मिक्स एंड मैच है लेकिन लेके आए। हाँ सही बात है, मैं सही कह रही, थैंक चलो यू अब खा विनास। लो जल्दी जल्दी, हाँ तो मैं इसे खा लेती हूँ, फिर मिलती क्योंकि हूँ आपके थोड़ी पास देर टाइम में। कम है ना, फिर हमें बातें तो करनी है, मुझे कौन सा सैरी करनी लेकिन है? हमें फिर बातें भी तो करनी होती बहुत सारी। अरे आपको ना थोड़ा सा बातों का भी चिट चैट जरूर दिखाऊंगी कि हम लोग क्या फालतू की बकवास करते रहते हैं सैरी के अंदर। तो कह रही थी मैं पहले, और पास से दिखाती हूँ आप लोगों की क्या क्या है। जल्दी खाओ जल्दी जल्दी जल्दी। जब तक ब्रेक, बाय नहीं करो, मिलते अच्छा हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जी ये है मेरी सैरी, हालांकि मैंने आपको वैसे भी दिखा दी थी लेकिन मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को पास से भी दिखाने का। तो ये है वो भजिया जो मैंने आज इसमें डाल रही थी एक्स्ट्रा, जो कि शाम को बनता है इफ्तार में, और मैगी है और ये कोल्ड कॉफ़ी है, आधा ही गिलास बची थी तो बस यही है। तो बाकी खैर मेरे लिए तो बहुत है, और यहाँ पर है थोड़ा सा वाटरमेलन, तो मैं ये सब खाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ, खा लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। ऐसा होता है पता है क्या, अगर हम रोज़ा नहीं भी रखते ना, लेकिन जब हम सहरी में उठ जाते हैं तो फिर ना हमें भूख लगती है, और अभी मेरी कंडीशन ऐसी है तो इस वजह से भूख लगती भी ज़्यादा ही है। तो मैं आज भी खा रही, सॉरी, अपनी ड्रिंक ले रही है, और मैंने भी शुरू कर दी है अपना खाना खाना, यानी कि अपनी सहरी खाने के लिए। और मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छी है, मैं खामा खा में इनिशिएटिव ले रही हूँ कि ओहो थैंक यू, जबकि इन्होंने नहीं बनाई थी, भाभी ने बनाई थी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और इसी से मुझे याद आया कि मेरे पास एक कमेंट आया था, तो वो ये कह रही थी कि आपने ना मैंने उसको बहुत ज़्यादा सर पे बिठा रखा है, उसमें ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जो आप मैंने करती रहती है। तो डियर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नहीं बिठा रखा, आप लोगों ने ही बिठाया हुआ है, आप लोगों को वो इतनी पसंद आती है और आप लोग ही कमेंट कर करके कहते हैं कि उसे साथ में ले के व्लॉग बनाओ और उसके साथ व्लॉग बनाओ, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उसके बारे में सुनना आप लोगों को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसा शौक नहीं है। तो चलो मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? अब फाइनली मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ सही से। अभी तक तो बस जो चल रहा था वह चल ही रहा था, तो मैं वही आवाज़, वही जो हो रहा था वही आवाज़ें आप लोगों को सुनाई दे रही थी। लेकिन अब मैं आप लोगों से बिल्कुल ठीक ठाक बात कर रही हूँ, जैसे कि हमेशा ही करती हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ कि सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है, मेरा आज की सहरी हो गई, मेरा खाना पीना हो गया, और नमाज़ भी हम लोगों ने पढ़ ली है। थोड़ी सी पढ़ी नहीं जा रही थी आज, मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी, बट फिर भी मैंने पढ़ ली है। और अब हम थोड़ी सी चिट चैट भी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कुछ भी कोई स्पेशल चीज़ नहीं बता सकते हम, कुछ भी बता सकते हैं किसी तो भी एक बात। चीज़ है गाइज, ये इस वीडियो में अगर कुछ भी इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ ज़रा 19-20 जेर ज़बर हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, स्पॉन्टेनियसली बाजी को पकड़ लिया गया है और हमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो जो मुंह में आ रहा है हम बोल रहे हैं, जो मन और में आ रहा है जो कर रहा है। जो होता है ना, जो वही दिखाया जा रहा है आपको, ये नहीं कोई मतलब ऐसे करके कि जी हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें करनी है, जो रेगुलरली हमेशा होता है वही चल रहा है अभी यहाँ पर भी। तो सबसे पहले तो आप इससे पूछिए कि ये मुझे ऐसे हबशियों की तरह क्यों देखती है, मैं जरा सा कहीं से मिल जाती हूँ मुझे क्यों पकड़ लाती है, और बस बाजी आओ बाजी बैठो बाजी बात करो बाजी ये बाजी वो। अब आप इससे पूछिए, बताओ। ये तो बहुत पुरानी बात है, दरअसल क्या है, बाजी की शादी से ये सिलसिला चला आ रहा है, इसकी शुरुआत आगाज़ हुई थी आज से कुछ साल पहले, यानी बाजी की शादी से पहले हम लोग क्या करते थे, नाइट में ना सब काम करके बाजी जब फ्री होके आती थी तब हम एक मूवी देखते थे, और कोई भी 80s की 90s की कुछ भी घटिया से घटिया फ्लॉप मूवी हमें उठानी होती थी, हम उनके नाम नहीं बताएंगे मूवीज़ के, बट स्टिल
फ्लॉप से फ्लॉप मूवी हमने देखी है, जो शायद आप लोगों ने नाम सुने भी नहीं होंगे। और उन मूवी का नाम बताते हैं, आमरस। आमरस हाँ, है ना, मेला पुरानी वाली। उसमें जो होता है, उसमें जो होता है, आप लोगों ने पुरानी मूवी देखी है मेला, मैं आपको बताती, नहीं भी देखी होगी ना, रमजानों के बाद जरूर देखना। फिरोज खान की जो है, उसमें एक आदमी होता है, अब तो मुझे उतना याद नहीं है, बहुत सालों पहले हमने देखी थी। उसमें एक आदमी होता है, वो ना बहुत ज्यादा लालची टाइप में होता है ना, होता है बहुत दिन से खाने। वो पहले होता है कुछ ऐसा होता है, उसकी स्टोरी इस टाइप में है। फिर ना लास्ट में ऊपर वाला उसको इतनी सजा देता है कि उसको ना बहुत दिनों से, हाँ बहुत दिनों से उसे खाना नहीं मिला होता, तो वो इतना भूखा होता है, तो वो ना उसकी आंखें पटी पटी और बहुत गरीब सा होता है। तो एक दिन ना उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना मिल जाता है। प्रॉपर स्टोरी मुझे याद नहीं है, लेकिन जो जो मुझे मेन याद है मैं बताती हूँ। और फिर उन्होंने पागल वगैरह ऐसा ऐसा खा रहा होता है, खा भी नहीं पाता, बस वो देखता है और ऐसे उठाता है और वो मर जाता है। तो वो सीन भी इतना अच्छे थे, तो वो सीन भी इतना अच्छे थे, तो ऐसे कुछ भी चलता था पुराने जमाने की हीरोइनों का। वो देखी थी अबोध, माधुरी दीक्षित की फर्स्ट, बट उसमें तो इतना नहीं था, इतना नहीं था, बट फर्स्ट टाइम माधुरी दीक्षित को इतना ऐसी स्लीक बॉडी ऐसे देखा था। और पुराने जमाने की हीरोइन है नहीं, और वो अजीब अजीब से एक्शन करते हैं, हाँ हाँ, वो रोती ऐसी थी जैसे मुझे तो बच्चा दे रहा, कुछ भी बच्चा, थोड़ी एक्टिंग बच्चा। और बस यार वो मूवी देखी है दिल जले, हाँ, वो वाली, हाँ। आप लोगों ने गाना देखा, एक ऐसी लड़की थी मुझे वो प्यार करती थी, वो दिल जले नहीं है, दिल वाले, दिल वाले, हाँ, हाँ। दिल वाले। सो उसमें क्या होता है कि वो मतलब आप कब देखी मूवी की, इतना फेंका है उन्होंने मूवी में। पहली बात, वो गाना गा रहे हैं और उन्होंने दुपट्टा सिर्फ ऐसे ले रखा, बाजी थोड़ा सा, पूरे टाइम में दुपट्टा सिर्फ ऐसे है जैसे बाजी यहाँ बैठी है, हीरो गाना गा रहा है, वो ऐसे सुन रही हो, और जैसी बाजी भाई अब देखो मैं इतना और ऐसे पूरा गाना ऐसे सुनती है, और जैसे वो जाते थे और फिर ऐसे करके रोके चली जाती है, ऐसे कौन करता है? अच्छे हमारे इंडियन मूवीज में होता है भाई, ऐसा होता है, इतना ज्यादा होता है। तो हम लोग ना ये इतना एंजॉय करते थे, और हम कभी भी कोई अच्छी मूवी नहीं उठाते थे, बकवास, कि मतलब पुरानी पुरानी और कुछ भी इस टाइप में, और इतना हंसते थे। बाहर ही हॉल है ना, बाहर ही हम बिस्तर लगा देते थे, तो मैं ना तो खैर हाई फाई ये तो सोती नहीं थी, ज़मीन पे सोते हम भी नहीं थे, बस वो मूवी वूवी देखने के लिए वो सब करते रहते थे। अच्छा बिस्तर से ये बात आई, एक और मुझे याद कि हमारी मैडम ना थोड़ी सी, वो एक बीमारी है ना, क्या कहते हैं, क्लेस्ट्रोफोमिया, मुझे तो याद भी नहीं है क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सफाई वाली जो बीमारी होती है, तो वो है हमारी मैनाज। तो मैं आपको अभी उसको सबूत भी दिखाऊंगी, इसको बिल्कुल रंगे हाथों मैंने पकड़ा है। वैसे हम लोग ये बदला लिया जा रहा है, इनको जगा लिया ना, तो ये धप्पा करेंगे नहीं। तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि इतनी हाइजीनिक क्या है, क्या कहानी है। तो ये ना कुछ ज़्यादा ही हर टाइम ज़्यादातर अपने हाथ धोती है, तो अभी हम लोग पहले ही से बहुत डांटते थे, क्या है हर टाइम पे, मतलब अगर इसने पानी भी पिया है ना तो ये हाथ धोएगी, और अगर आपने भी इसको इससे पानी मांग लिया, वाटर बॉटल होती है, साफ़ होती है, साफ ही पानी सब पीते हैं, लेकिन फिर भी ये हैंड वॉश करती थी। तो अब तो खैर ये हमें छेड़ती कि क्यों, अब पूरा घर करता ना, कोरोना आ गया देखा, हम तो पहले से वाली लाइफ हम बचपन से जी रहे हैं, बचपन से। और उसके अलावा भी जैसे ये जो इसका बेड है ना, मैं इसके बेड पे ही बैठी हूँ, तो ये क्या करती है कि पहले तो खैर छोटी थी, उतना दिमाग नहीं था, मैं सारा सच बता दूंगी सबको, तो इसमें उतना दिमाग नहीं था, तो ये बेड पे किसी को बैठने ही नहीं देती थी, मतलब ज्यादातर बच्चे बड़े तो बैठ सकते हैं, बट बच्चों की नहीं बैठ। तो इससे अब लोगों को बुरा लगने लगा भाई, ये हमारे बच्चों को मना किया जाता है, तो मैं तो लोग में समाज के जो ठेकेदार बने फिरते हैं, हमारी बुरबाजी सबसे पहले। तो भाई मैं क्यों, रानी बाजी को बुरा नहीं लगता भाई, भाभी को बुरा नहीं लगता भाई, उनके किसी की माँ के बच्चों को नहीं चढ़ने दोगे अपने बेड पर, जैसे मुझे तो तुमने अपने बेड पर बुला लिया, हमारे बच्चों को तुम चढ़ने नहीं दे, हमें तो बुरा लगे। तो इसने अब थोड़ा सा दिमाग लगाया, आप ये पता क्या करती है, इसकी दो चादरें हैं, एक रात की एक दिन की, दिन वाली पे जो मर्जी आके बैठे, अब तो बच्चों को बुलाती है, आ जाओ बैठ जाओ, बच्चे इसके बेड पे खूब बैठते हैं और फ़ोन सर्फिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, खेलते हैं मिलते हैं, जब तक हम बैठे रहते हैं बैठते हैं, फिर जब हम लोग सब सोने जाते हैं तब मैंने अपनी दूसरी साफ एक चादर इसने अलग कर रखी है, वो बिछा के सोती है, तो वो मैं आपको चादर दिखा देती पहले।
तो ये देखिए, ये वाली जो चादर है ये इसकी रात की है, और मतलब दो बेड है ना इस रूम में सिंगल सिंगल, तो उस वाले बेड पे जो चादर बिछी है ना वो दिन में बिछती है। आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये वाली चादर सेम इसी बेड की भी ऐसी ही है, तो इसने अभी उतार दी है और दिन में यही बिछेगी। और ये इसका रात का कांड है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। बस अच्छा अच्छा खासा फैन क्लब बैठ रहा था, क्या ही पता बीच में आके। ऐसे कुछ नहीं गाइस, सब मिटा देना आपने जो भी सुना, सब दिल्ली ही चाहिए, एडिट हो जाना चाहिए वरना ये बात ऊपर तक जाएगी। बचा दो ऊपर तक बची, पता है हमें तो ना ये सोच के याद आया, जैसे गाइज आपने देखा होगा कि हमने बाजी को ऐसे बीच में से पकड़ लिया और बुला लिया, तो बाजी मतलब क्या है कि थोड़े अपने याददाश्त रहती है। हमारी अनोपी के बचपन की बात है, आई एम सो सॉरी, हमारी अनोपी छोटी थी सो वो ना शुरू से बहुत जल्दी सो जाती है, हम सब लेट सोते हैं बट उन्हें जल्दी। हम उस इस आदत पे उसको गाँव वासी बोल देते हैं, भैया ने उनका नामकरण कर दिया था गाँव वासी के नाम पे। सो भैया सिलसिला चल रहा था, अब एक बारी क्या हुआ कि रात में उनको उठाया कि मतलब अनु जाओ बेडशीट चेंज करनी है, मतलब वो सो जाती थी। अच्छा इधर ओके सॉरी, सो वो सो जाती थी पहले से कि बेडशीट अभी क्लीन नहीं हुई कुछ नहीं, वो पहले से सो जाएंगी। तो बाजी रात में उठाती थी कि अनु जरा उठ जाओ बेडशीट चेंज करने को, नींद में उसे उठेंगे। हाँ एक दिन उठे, उठ के अलमीरा खोली और उसमें से कपड़े निकाल रही, कपड़े निकाल रही है। तो किसी ने पूछा भाई क्या कर रही हो, मम्मा ने पूछा ये क्या कर रही हो, मैं बाथरूम जा रही हूँ मुझे स्कूल जाना है। नहाने वो अलमीरा को बाथरूम समझ लेती थी, रात में उठ के ब्रश करने लगती थी, कभी बैग उठा के चली जाती थी कि स्कूल जाने का टाइम हो गया। तो अगर सोचो आपके साथ होता तो बाजी को लगता है सहरी नहीं इफ्तियारी चल रही है ऐसा कुछ नहीं। इस तरह से याद आया, मैं भी अपने एक बचपन में किस्से सुनाती हूँ। एक बार पता क्या हुआ, मैं ना मतलब बचपन से ही थोड़ी सी सीधी टाइप में हूँ, मतलब कि दिमाग थोड़ा सा कम दिया है लपा ने, तो बाजी मुझे बड़ा बेवकूफ़ बनाती थी शुरू से। तो एक दिन मैं दोपहर में सोई और रोज़ ही चल रहे थे, छोटी थी मैं, और सो के मैं उठी शाम को, जब हमारा वही पुराना वाला घर था तो मैं सो के उठी शाम को, और जैसे वो ना थी चांद रात और उसके नेक्स्ट डे ईद होने वाली थी। तो अब शाम और सुबह भाई एक सा ही लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा क्योंकि जब मतलब मॉर्निंग होती है ओवर टाइम और शाम का ढलता हुआ सूरज, शाम और छोटे बच्चे को इतना पता भी नहीं था, तो वो शाम शाम से देखे मुझे लगा सुबह हो गई ईद आ गई। तो मैं भाई से कह रही हैं बाजी मैं सो के उठी हूँ, बाजी ईद आ गई क्या, बाजी कह रही हाँ ईद आ गई तुझे नहीं पता, अल्लाह ईद भी आ गई, अल्लाह अल्लाह अब मैं कब सोई कब उठी, और मैं बड़ी कन्फ्यूज, ईद आ गई तो मम्मी कहाँ है, मम्मी तो बाजार चली गई इतनी सुबह सुबह, तो कह लेंगी हाँ, और जबकि मम्मी शाम वाले बाजार गई थी। बहुत देर तक मैं सोचूँ ओहो आज ईद है, ईद सबको ईद मुबारक मतलब बहुत देर बाद चला मेरा पोपट बन गया। ये सब सिर्फ हमारी बाजी ही कर सकती है, तो गाइस आपको पता चल गया कितनी सीधी है। और एक किस्सा वो तो बाजी सुनाएंगे, एक्चुअली वो किस्से जो बहुत इंटरेस्टिंग है हम लोग की लाइफ के, वो हम खान सिस्टर पे शेयर करेंगे क्योंकि उसके लिए बाजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो जब हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग तो नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलती है ना भाई साहब बोलती रह जाती है। और आप लोग उस चीज़ को देखना भी, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी क्योंकि फिर किस्से तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो मैं बहुत जल्द खान सिस्टर की वीडियो शूट करूँगी, और खान सिस्टर की वीडियो हमारी दो पार्ट्स में आएंगी, पार्ट वन और पार्ट टू। अभी हमने डिसाइड नहीं किया, अभी सिर्फ सोचा है अभी और मैंने, क्योंकि अभी के भी चैनल पर बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बताती हूँ वही बता रही हूँ अभी के चैनल पे भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि खान सिस्टर लाओ खान सिस्टर लाओ, और मेरे पास भी हमेशा ही आते हैं। तो खान सिस्टर हम टू पार्ट्स में लाएंगे, ये मैं नहीं कह सकती कि फर्स्ट पार्ट आप के चैनल पे आएगा या मेरे, किसी के भी चैनल पे कोई भी पार्ट आ सकता है, आप उसके लिए तैयार है ना। सेकेंड पार्ट किसी दूसरे के चैनल पे आएगा, बहुत मज़ेदार बहुत रॉकिंग वीडियो होने वाला है, उस दिन बहुत अच्छे अच्छे सजेंगे है ना। अभी तो हम नॉर्मली ऐसे बैठ जाते हैं, परसों होकर तैयार हुए हैं, मालिक एक मौका दे दो, बहुत दिन से तैयार नहीं हुए, बहुत सुंदर सुंदर सजेंगे। ओके लेकिन फिर वो हो सकता है कि रमजानों के बाद आए, ईद के बाद है ना, नाइट में शूट कर लेंगे, नाइट में कर तो ले, लेकिन हमारी उम्मत अब जैसे हम लोग डिले तो हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट जगह है ना, तो प्लीज ही पजामे पहन पहन के, हम थक चुके हैं, अच्छे कपड़े पहनने का मन है, जब से लॉकडाउन हुआ है ना गाइज कुछ तैयार होने का मौका ही नहीं, आप सबको भी पता है बस घर में यही लोअर टी शर्ट इन्हीं में घूम रहे, तो अच्छा सा तैयार होने का मन है, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो ठीक है, मैं फिर ट्राई करती हूँ जल्दी से जल्दी हो सके तो। और उसके लिए देखो रोज़ा मतलब मैं तो चलो नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन ये और बाजी तो रखते हैं अभी,
तो अब रोजे में तो तैयार भी नहीं हो पाएंगे, और रोजे के बाद का तो हमारे घर का आलम ही मत पूछो। मतलब रोजे से पहले कभी मत पूछो और रोजे के बाद कभी मत पूछो। सहरी में कर सारे लेंगे, कभी भी कर लेंगे, कर लेंगे। चलो करना तो पड़े। सहरी में बाजी की हंसी देखिए, पूरा मोहल्ला उड़ जाएगा। बाजी जब हमारी हंसती है तो बस तूफान आ जाते पापा जी कह देंगे क्या हो गया, क्या हो हैं। गया, क्या पहले ना पहले पहले भी शादी से पहले हुआ, जो हंसती थी ना इतनी जोर जोर से हंसती थी, और सामने वाले को मार मार के, और सामने वाला कोई नहीं होता था, मैं होती थी वो उनके आते साथ क्या थे जब वो छोटा सा था, बाजी उसको सजाती रहती थी, और में। एक बार वो उसको नहला दुला के, एक बच्चा था उसको खूब तैयार करती थी, और उसको जैसे अफू को करती है ऐसे उसको तैयार किया और अपनी गोदी में सुलाया, और बातें करती है, बातें करते ऐसे ऐसे वो बच्चा ऐसे देख रहा बाजी को, वो डर के उठ गया। हमारे पड़ोस में थे ना जो, उनका बेटा था वो, यही हुआ था। तो ऐसे से हाँ ऐसे होता था, इतनी जोर जोर से हंसे। आज भी वो बहुत जोर जोर से हंसते माशाल्लाह से, और वो हंसती हैं तो बस मैं तो सोचती हूँ उनसे दूर बैठो, मारेंगी फिर कहाँ मका, हा धड़म। एक छोटी गाइस, आप लोग ने डॉली पिंजरा को देखा है हंसते हुए? अब्बा जी बेटा ऐसी पकड़ के मारेंगे, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ हंसने के बोला। डॉली बिंद्रा का नाम इसने लिया बाजी, खुद समझ लेना इसे। मेरा सुन तो। ऐसे होने वाले हैं तो गाइस प्लीज आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, वरना फिर बाजी तो यू नो तो अच्छा सा कहना कि आप तो बहुत क्यूट हो, बहुत सुंदर हो, इसलिए मैंने ऐसे डॉली बिंद्रा रखा होगा, प्लीज हाँ प्लीज बचा ये तो लेना। अल्लाह ही बचाएगा, क्योंकि वो वीडियो जरूर ये तो देखेंगी। चलो बाजी को सुबह पटा लेंगे, है ना। ठीक है चलो, अब मैं वीडियो बंद कर दूँ, वरना ये लेकिन तो आप नहीं जा रही हैं? हाँ तो मैं तुमसे और बात करूंगी हाँ बिट्टू। ना ये ना देखो ना अभी हमने कितनी देर, ओ माय गॉड 13 मिनट तो हमने बात कर दी है बस, अभी तो बस, हम सुबह तक आधे घंटे की करेंगे। वीडियो थोड़ी देनी है। वैसे खैर मेरे व्यूवर्स के तो बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाओ, बट फिर भी ठीक है, इतना बहुत है। पूरी टोटल करके ना तब भी 16-17 मिनट की वीडियो हो जाएगी मेरी। तो चलो बाय करो अगर जल्दी से। अगर हमारी लास्ट पर, अगर हमारी बातों पे पहली बात बनी, तो तुम भी धीरे बोलो ना, सब तो सो रहे हैं, ये जोर से सीख रही हो। बातों की वीडियो बनी तो एक मूवी बन जाएगी। हाँ सही कह रहे हो, मूवी बन जाएगी, ना लेकिन मूवी इन लोगों को पसंद आएगी। चलो जी इसी के साथ अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अच्छा कुछ लोगों में ना मतलब स्लो का बटन नहीं होता है, जैसे कि सहरी में या रात में जब हम उठते हैं तो ये एडिकेट्स होते हैं कि हम थोड़ा धीरे बोले। अब मैं तो इतने जोर से नहीं बोलती, ये तो चिल्ला चिल्ला। लास्ट टाइम सॉरी, हाँ अगली बार ध्यान रखेंगे। वो वाले याद है आपको क्या चन्ना? ये सब अब वो खान सिस्टर के लिए रहने दो, ये अच्छा वीडियो बहुत लंबा गए, होगा। चन्ना वाला जरूर पूछना क्या है, ये कमेंट में आप जरूर पूछना, तब हम बताएंगे चन्ना वाला चन्ना क्या भी एक बहुत बहुत ही अच्छा किस्सा है, वो आपको खान सिस्टर में ही मिलेगा। चलो मैं कोशिश करूंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बताना, फिर जल्दी से जल्दी शूट करेंगे उसको भी। और अब मिलते हैं आपसे, अब वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को पता नहीं क्या करना, ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो मैं बोल रही हूँ उसे ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।